जिंदा सांप के खतरनाक होने के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन पत्ते की बात तो यह है कि मरा हुआ सांप भी कई बार खतरनाक हो सकता है। सांपों में मरने के कई घंटों बाद भी चेतना रहती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अराकाकस के प्रोफेसर स्टीवन ने कहा है, सांपों में मरने के बाद भी उनके शरीर में मौजूद आयरन सक्रिय रहते हैं जो सांपों के नर्व कोशिकाओं में रहते हैं। जब तुरंत मरे हुए सांप के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो नर्व कोशिकाएं वाहिकाएं सक्रिय होती है और उससे आयानी में गति आ जाती है। यही गतिविधि मांसपेशियों में प्रति उत्पन्न कर और काटने या डसने जैसी क्रिया को प्रेरित करती है। प्रोफेसर ने कहा, कोबरा और रेटल स्नेक जैसे सांपों में मरने के कई घंटों बाद काटने या डसने वाली चेतना दिमाग में सक्रिय रहती है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सांपों के मरने के कुछ घंटों बाद तक चेतना बाकी रहती है। यह गुण ठंडे खून वाले कई कोशिका जंतुओं में पाए जाते हैं। इसी तरह के और भी फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब।